पुलिस सवालों के घेरे में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि कल जिन दो युवकों की मौत हुई थी वो पुलिस की पिटाई की वजह से हुई थी। पुलिस का कहना है कि दोनों युवकों की तालाब में डूबने से मौत हुई थी, लेकिन आज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो उसने वाकई में हैरान कर दिया है, क्योंकि इसमें जो पुलिस का दावा किया गया था उससे बिल्कुल अलग ये रिपोर्ट आई है और इसमें ये साफ हो रहा है कि पिटाई से मौत हुई है इन दोनों युवकों की। इसके बाद अब इस मामले में एसपी ने चौकी इंचार्ज समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि मैनपुरी के घिघोर थाना इलाके में दो युवकों का शव तालाब से मिला था। लोगों का आरोप था कि पुलिस की पिटाई से दोनों युवकों की मौत हुई है, लेकिन उस वक्त पुलिस ये दलील दे रही थी कि तालाब में डूबने से मौत हुई है। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो सारा सच सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों युवकों की मौत तालाब में डूबने से नहीं बल्कि पुलिस की पिटाई की वजह से हुई है। सवाल तो ये है कि आखिर क्यों इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी गई, आखिर क्या ऐसा मामला था कि इन दोनों युवकों की मौत हो गई। फिर इसके बाद मौत के बाद कहीं ना कहीं खुद को बचाने के लिए क्या पुलिस ने ही शव को तालाब में फेंक दिया और उसके बाद एक कहानी गढ़ दी गई कि तालाब में डूबने की वजह से मौत हुई है। तो अगर पुलिस ही ये सब काम करेगी तो फिर कौन सच सामने लेकर आएगा? पुलिस की कार्यशैली ही सवालों में रहेगी तो फिर लोगों को इंसाफ कौन दिलाएगा? तो सवालों के घेरे में सीधे सीधे मैनपुरी पुलिस है। पुलिस की पिटाई से दोनों युवकों की मौत हुई है, ये रिपोर्ट में सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कल तालाब में दोनों युवकों का शव मिला था। तो मैनपुरी के घिघोर इलाके में पुलिस वालों ने एक ट्रैक्टर को चेकिंग के लिए रोका था। पुलिस वालों ने दोनों युवकों से जबरन पैसा वसूलने की कोशिश की, ये कहना है लोगों का। पैसा नहीं देने पर पिटाई की और दोनों को तालाब में फेंक दिया। पुलिस की सफाई ये है कि ट्रैक्टर रोकने पर दोनों युवक भागने लगे और बचने के लिए तालाब में कूद गए। दोनों युवक का शव मिलने के बाद नाराज लोगों ने कोसमा चौकी पर धावा बोला। भीड़ ने चौकी में मौजूद पुलिस वालों की पिटाई की, उनके कपड़े तक फाड़ डाले। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने पुलिस वालों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। तो इस पूरे मामले में 8 पुलिस वालों पर केस दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन आखिर ये किस तरीके का रवैया है पुलिस का कि जबरन वसूली के लिए रोका जाता है, जब विरोध किया जाता है तो पिटाई कर दी जाती है और उसके बाद मौत हो जाती है। हरिओम हमारे साथ है। हरिओम, अब तो सब कुछ मामला सामने आ चुका है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, ठीक है, आदेश दे दिए गए हैं 8 पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के, इनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, इन पर कोई सख्त एक्शन लिया जा रहा है या नहीं, कहां है ये सब? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से साफ स्पष्ट हो गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि ये पीट करके ही दोनों युवकों की हत्याएं हुई है, और देर रात जिस तरीके से एसएसपी मैनपुरी ने इनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जितने भी पुलिसकर्मी और जो भट्टा मालिकों की सहमति से इन लोगों को पीटा गया था वो सभी अभी कहीं ना कहीं पुलिस की पकड़ से बहुत दूर है। हालांकि पुलिस ने ये कह दिया है कि हर हालत में 302 का मामला दर्ज करने के बाद इनकी गिरफ्तारी जरूर की जाएगी। जी चलिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो गिरफ्तारी कब की जाएगी, कब इन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, सवाल यही है, क्योंकि अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये बात कह रही है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है, तो फिर इनको बचाने की क्या कोशिशें हो रही है। और अब खबर यूपी के हापुड़ से, जहां कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। हापुड़ में घर के बाहर सो रही 4 साल की बच्ची के साथ हैवानों ने रेप किया। बदमाशों ने पहले बच्ची को अगवा किया और फिर उसका रेप कर उसे जंगल में फेंक दिया। परिवार वालों का आरोप है कि 1.5 घंटे तक 100 नंबर पर पुलिस ने फोन नहीं उठाया। 1.5 घंटे तक परिवार वाले फोन मिलाते रहे। लोगों ने पिलखुआ कोतवाली पुलिस पर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया है। तो पुलिस की लापरवाही के आरोप में लोगों ने प्रदर्शन किया है। लड़की बेटी की हालत गंभीर है, उस बच्ची की हालत गंभीर है और अब उसे मेरठ रेफर किया गया है। अभी तक आरोपियों के बारे में पुलिस को कोई भी सुराग नहीं लग पाया। लगभग 5 साल की बच्ची थी, रात में उसके साथ किसी ने दुराचार कर दिया था और उसको लेकर के हाईवे पर लोग आ गए थे, जाम लगा रहे थे, जाम जो है खुलवा दिया गया। बच्ची को रात में ही मेडिकल उपचार के लिए जो है भेज दिया गया था। पुलिस अभियुक्त मोहम्मद ताहिर हमारे साथ हैं इस वक्त। ताहिर, मुझे ये बताइए, आरोपियों के बारे में पुलिस को कोई सुराग लग पाया है? इस वक्त बच्ची की हालत क्या है, इस मामले में जांच कैसे आगे बढ़ रही है?
जी पुलिस का और परिजनों का सीधा साफ तौर पर कहना है, जो बच्चे की हालत को गंभीर देखते हुए हापुड़ से रेफर किया गया है, तो कहीं ना कहीं हालत जो है बच्चे की वो गंभीर है। और जो पुलिस की जांच है वो अभी जो है, जो आरोपी हैं उनके बारे में कोई पुलिस को अभी जानकारी नहीं है। जो परिवार है, जो माता पिता है लड़की के, वो भी मेरठ है और उसके साथ ही है, बच्चे के साथ ही है। इसके अलावा जो एक टीम है वो अभी जल्द यहाँ से निकलने वाली है, मेरठ पहुंचेगी और उसके बाद परिवार के लोग उससे पूछताछ करेगी। हालांकि जो पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं और जो बच्चे के गार्जियन हैं उनसे भी पूछताछ जो है पुलिस ने कर ली है। जी चलिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो मेरठ रेफर किया गया है इस बच्ची को, लेकिन अभी तक आरोपी के बारे में कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। जम्मू में वैष्णो देवी यात्रा के दौरान चट्टान खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनकी हालत गंभीर है। हादसा अर्धकुमारी के पास हुआ है जो कि वैष्णो देवी मंदिर से करीब 6 किलोमीटर दूर है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जम्मू में तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुई है। घायलों को कटरा के नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल हुए श्रद्धालुओं को सिर में गहरी चोटें आई हैं। तो ये बताया जा रहा है लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से चट्टान खिसकी है, जिसमें अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4 हो गया है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। ये पानी तो ऐसा आ रहा था कि फ्लड जैसा आ रहा था, ऊपर से कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे और सब लोग इकट्ठा इकट्ठा एक ही जगह में खड़े रहते नीचे, तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं था वहाँ पर खड़े होने के। बच्चों वो महिला लोग तो बोल ही नहीं सकते हैं कि रात को इतना बारिश, इतना फ्लड आ रहा था कि हम लोग डर गए थे। मैं तो फुल भीग चुका हूँ, मैं बोला घोड़े को कहीं भी रुकना नहीं, नीचे सीधे आ जाओ, तो हम लोग भीगते 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 बाहर आ गए। इसके लिए जितने भी एहतियातन हो सकते हैं एहतियात लिए जा रहे हैं, लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं। और एक जो है एक स्लाइड थी जो कि अचानक आ गई, उसकी वजह से हादसा हुआ। और लोगों को हम जो रास्ते में जाते हैं उनको हम पूरी हिदायत देते हैं और सुरक्षा के जो इंतजाम हो सकते हैं उसको किए जाते हैं। और राजू केनी हमारे साथ इस वक्त अपडेट देने के लिए। राजू, अभी क्या मौसम बना हुआ है, कितने लोग अभी भी फंसे हैं, क्या कुछ जानकारी लग रही है? जी, माता वैष्णो देवी के पहाड़ियों और जम्मू का अगर हम कहें, जम्मू संभाग में कई जगहों पे कल रात से ही बारिश जो है वो जारी है और अभी भी माता वैष्णो देवी का जो ट्रैक है वहां पर बारिश हो रही है। हालांकि यात्री जो है वो अपनी यात्रा जो है उसको जारी रखे हुए हैं, यात्रा बंद नहीं की गई है और उसके जो है वो जो एरिया था जिसके जहाँ पे, तो जब मौसम इतना खराब बना है तो यात्रा को रोका क्यों नहीं गया? देखिए, यात्रा जो है क्योंकि ये पूरा पहाड़ी ट्रैक है और 12 किलोमीटर का रास्ता है, जगह जगह जो है ये पहाड़ हैं और जो प्रशासन है उसकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग जो है यात्रा जब कर रहे हैं तो पत्थरों को जो शूटिंग स्टोन है उनसे जो बचाव करके ही वहां से निकले। तो कई रास्ते ऐसे में है और यात्री जो है वो माता के दर्शन करने जो आए हैं वो प्रशासन की बात नहीं मानते और इस तरह से ऐसा हादसा जैसे कल जो है, कल दिन में 2 बार जो है ये ऐसे लैंडस्लाइड हुई, एक माता के भवन के पास हुई, एक आदरवाड़ी के पास हुई, तो उसके बाद भी यात्रा जो है जारी रही। लोग जो है यात्री जो श्रद्धालु हैं उनका ये कहना है कि ऐसे हादसे होते रहते हैं तो इसमें जो है रोकना नहीं चाहिए यात्रा। तो प्रशासन जितने प्रिकॉशन लेके और ऐसे एरिया को जो आइडेंटिफाई किया गया है वहां पर उन्होंने शेल्टर बनाए हुए हैं, लेकिन चूंकि रात का समय था और काफी तेज बारिश भी हो रही थी तो पहाड़ पूरा पहाड़ का मलबा आके उस शेल्टर पॉइंट पे गिर गया जिसकी वजह से ये लोग दबके मर गए। बाकी इलाका साफ है तो इसलिए यात्रा को नहीं रोका गया है। थोड़ी देर से जो डिस्टर्ब हुई थी यात्रा या बारिश की वजह से यात्री शेल्टर पॉइंट में रुक जा रहे हैं जी, लेकिन आधिकारिक तौर पर यात्रा अभी रोकी नहीं गई है। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर यूपी बीजेपी कार्यसमिति की 2 दिन चलने वाली बैठक झांसी में चल रही है। झांसी के भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज में हो रही कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र समेत पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा हो रही है। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में पार्टी कृषि और राजनीति से संबंधित 2 प्रस्ताव पास करेगी। बुंदेलखंड में हो रही इस बैठक में इस इलाके की बदहाली को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा करेगी। तो ये बैठक कुल 6 सत्रों में होगी। तो वहीं बैठक का समापन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल अपने
समापन भाषण से करेंगे। तो वहीं यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कहा है कि दलितों पर कोई भी पार्टी राजनीति करे लेकिन दलित बीजेपी के साथ है। सैनी बहुत जोरों से मिशन 2017 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के आधार पर और बूथ मैनेजमेंट के आधार पर चुनाव युद्ध में जाती है और ये प्रयोग मैंने अन्य प्रदेशों में भी किया है और पिछले 1.5 वर्ष से आपको भी लग रहा होगा कि मिशन 2000 सफलता की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। माथुर साहब, एक सवाल है कि बीते कुछ महीनों से जिस तरह की परिस्थितियां बदली है दलितों को लेकर, खासतौर से गुजरात का ऊना कांड हो या फिर दयाशंकर सिंह का बयान हो, इसको लेकर जिस तरह की पॉलिटिक्स बीएसपी के नेत्री कर रहे हैं, क्या नहीं, ये सब धरतीहीन पॉलिटिक्स है। हम दलित मैक्सिमम हमारे साथ। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये बैठक तो शुरू हो चुकी है, क्या कुछ निकल कर अभी सामने आया है? इस वक्त उद्घाटन भाषण चल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मौर्य जिनकी अगुवाई में ये पूरा सम्मेलन हो रहा है वो अभी भाषण दे रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि बारी बारी दोनों मिलकर प्रदेश को लूट रहे हैं। अखिलेश यादव को उन्होंने अब तक सबसे नाकाम सीएम बताया है और ये आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र की विकास की नीति को, विकास की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं कर रही है, इसके कारण यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त ये बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें कई बातें रखी जा रही हैं। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टाउन हॉल करेंगे। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लाइव प्रोग्राम में आम लोगों के सवालों का जवाब देंगे। इस कार्यक्रम के लिए 2000 लोगों को आमंत्रित किया गया है, हालांकि सवाल पूछने का मौका कुछ ही लोगों को मिलेगा। ये प्रोग्राम सरकार की MyGOV वेबसाइट के लॉन्च होने के 2 साल पूरे होने पर किया जा रहा है। इस वेबसाइट के लिए 35 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स में से केवल सक्रिय 2000 लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद सरकारी योजनाओं और नीतियों का प्रचार करना है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का भाषण होगा तो प्रधानमंत्री के भाषण के साथ ही सवाल जवाब का सेशन भी होगा। प्रोग्राम के दौरान ही प्रधानमंत्री ऑफिस को लेकर डेवलप किया गया एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप को दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर तैयार किया है। प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली समेत सरकार के दर्जन भर मंत्री मौजूद रहेंगे और जनता के सवालों के जवाब देंगे। तो टाउन हॉल जिसमें शाम को 5 से 6 बजे के बीच भाषण दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, साथ ही सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे जिन लोगों को चुना गया है। 2000 लोगों को चूंकि इसमें आमंत्रित किया गया है जो एक्टिव मेंबर्स हैं, 35 लाख लोगों ने वो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, लेकिन 2000 एक्टिव यूजर्स को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, तो सवाल भी तय किए गए हैं पूछने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सऊदी अरब में फंसे भारतीयों का हाल जानने के लिए मक्का गए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भारत लौट आए हैं। भारत लौटने के बाद जनरल वीके सिंह ने कहा कि कैंपों में रह रहे बेरोजगार भारतीयों के लिए बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। सऊदी अरब सरकार इन लोगों को के लिए खाने और मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम कर रही है। जनरल वीके सिंह ने कहा कि सऊदी सरकार ने भारतीय श्रमिकों के मामले में जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया है। मंदी के कारण सऊदी अरब में 10,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की नौकरी चली गई थी और इन भारतीय नागरिकों को कंपनियों ने उनके हाल पर ही छोड़ दिया था। मामला सुर्खियों में आया तो विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सऊदी अरब गए। वीके सिंह ने सऊदी अरब में फंसे भारतीय मजदूरों से मुलाकात की और सबका हाल जाना। सऊदी अरब के किंग है, उनका बड़ा भारी रोल रहा है, जो उनका दृष्टिकोण भारत की तरफ है उससे इन सब चीजों को लाने के अंदर सहूलियत हुई है। जहां तक लोगों के आने का सवाल है, थोड़ा धीमी गति से आएंगे। कारण उसका यह है कि उनके कुछ पेंडिंग वो है, कुछ ने ऋण ले रखा है, तो जब तक ये चीजें सॉल्व नहीं हो जाती तब तक नहीं होगा। लेकिन मैं प्रशंसा करूंगा सऊदी सरकार की, उन्होंने वो सब चीजें की हैं जो शायद आज तक कभी किसी उन्होंने नहीं की होंगी। तो मेरे ख्याल से एक बहुत सकारात्मक कदम उनकी सरकार ने उठाया है और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। और ये दर्शाता है कि
हमारे और सऊदी अरेबिया के रिश्तों में कितनी गरमाई है। असम के कोकराझार में हुए उग्रवादी हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं आज असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अस्पताल जाकर मरीजों का हाल जाना। शुक्रवार को तिनियाली मार्केट में उग्रवादियों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की और ग्रेनेड फेंका। इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 20 लोग जख्मी हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर मारे गए। पुलिस के मुताबिक हमले का शक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड पर है। असम सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। राजनाथ सिंह ने असम का सीएम सर्बानंद सोनोवाल से बात की। गृह मंत्री ने सोनोवाल से उग्रवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत कही है। वो लोग अंधाधुंध फायर चलाया और भागने का कोशिश किया, तब तुरंत पुलिस आके एक को न्यूट्रलाइज किया और एक भागने के लिए कामयाब हुआ। तो अगर सुसाइड स्क्वाड था वो लोग भागता नहीं था ना। नहीं, ये इंटेलिजेंस फेलर नहीं है, इसलिए वो जुलाई महीना में हमारा काफी कामयाबी था, उनका ऊपर दबाव बना रहा था, वो लोग दबाव का ऊपर काउंटर दबाव करने के लिए ये कोशिश किया है, लेकिन उनका ऊपर हमारा पूरा नजर है और जो जाने गया है बहुत दुखद का बात है, लेकिन हम लोग इसको न्यूट्रलाइज करेगा। अभी तक डेथ टोल कितना है? अभी 16 था कल तक टोटल, उसमें 1 मिलिटेंट था, 13 सिविलियन था। आज सुबह और एक लोगों का निधन हो गया है, वो मेडिकल नर्सिंग होम में था, उनका किडनी में गोली लगा था तो वो भी गुजर गया। सो अभी तक सिविलियन डेथ इज 14 एंड मिलिटेंट 1। तो इधर कोकराझार में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दुखद घटना है, तुरंत वहां पर सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। जिन लोगों ने अपनी जान खोई है इस अटैक में, उनके परिजनों के लिए उन्होंने एक्सग्रेशिया पेमेंट रिलीज करा है, कहा है जो इंजर्ड है उन पर रिलीफ हो रही है, रिलीफ का काम शुरू हो गया है और जो भी कार्रवाई करनी है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिन लोग जो लोग इसके पीछे है उस पर कार्रवाई जरूर होगी। बड़ी दुख की बात है कि जिस समय सदन में आतंकवाद के खिलाफ राज्यसभा में हम सब बोल रहे थे, बिल्कुल उसी समय ये वारदात हुई और दिन दहाड़े ऐसे गोली से, बंदूक से, AK-47 से लोगों की हत्या इस तरह कर देना, दर्जन लोगों को खत्म कर देना, कई लोगों को इस तरह जख्मी कर देना, ये एक गलत संदेश और जाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो हमें सबको ये आवश्यक है कि लड़ाई लड़नी है। हमारे फोर्सेस जो हैं, हमारी पुलिस जो हैं, हमारे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हैं, इन्हें और ज़्यादा चौकन्ना होने की आवश्यकता है और इस किस्म के वारदातों को टालने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप ये देखिए, नया ट्रेंड बड़ा डरावना है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने सरकार बनाई है, वहां आतंकवादी खतरा और आतंकवादी थ्रेट बन गया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो असम हो। असम में उन्होंने ऑल इंडिया बोडो फ्रंट से समझौता किया, आज नतीजा है कि बोडो उग्रवादियों ने हमला किया है। ये कौन से ट्रेंड में देश जा रहा है, इस पर जरा सोचने की जरूरत है। ये राजनीतिक सत्ता क्या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए होती है या आतंकवाद को खत्म करने के लिए होती है, ये सवाल पूछें लोग जरा। इधर जयपुर में हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौत ने अब पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस पूरे मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस आज जयपुर में गौ रक्षा पदयात्रा निकाल रही है। कांग्रेस का इल्जाम है कि जिस बीजेपी ने लोगों से गाय के नाम पर वोट मांगे उसी के राज में गायों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पूरे मामले पर हाईकोर्ट पूरी तरह सख्त रहा। इस दौरान अदालत में SOG IG दिनेश, MN निगम के आयुक्त हेमंत गैरा अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने IG दिनेश को फौरन हिंगोनिया जाकर हालात का मुआयना करने के आदेश दिए। तो आपको ये भी बता दें कि CM वसुंधरा राजे के दफ्तर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में 2 सप्ताह में 500 गायों की मौत हो चुकी है। तो गंदगी की स्थिति ये है इस गौशाला में कि 1 महीने से जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पर हैं, वेतन ना मिलने की वजह से 1 महीने से वहां पर गंदगी है, गोबर पड़ा हुआ है और किसी ने साफ सफाई के लिए भी नहीं सोचा। सड़कों पर अब आकर के राजनीति की जा रही है, लेकिन
अभी भी वहां की क्या स्थितियां बदली हैं, इस ओर किसी ने ध्यान दिया है? कोर्ट की फटकार के बाद आला अधिकारी वहां पर पहुंचे, लेकिन जो हालात वहां पर बने हुए, एक महीने से गंदगी है, दलदल पूरा बन चुका है ये गौशाला, बारिश लगातार हो रही है, गोबर उठाया नहीं गया है क्योंकि कर्मचारी स्ट्राइक पर है। जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि उनको सैलरी नहीं मिली है। तो जो डॉक्टर्स यहाँ पर 17 डॉक्टर्स गायों के लिए रखे गए थे उनकी देखरेख के लिए, उसमें से महज 2 डॉक्टर्स ही वहाँ पर आते हैं, सबसे बड़ी गौशाला, लेकिन कैसे यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है? क्यों नहीं वक्त रहते किसी ने सोचा, जब वहाँ पर कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी थे, वो स्ट्राइक पर जा रहे थे, क्यों नहीं उनकी समस्याओं को हल किया गया? और अब बाहर से मजदूरों को लाकर वहाँ पर सफाई करवाई जा रही है, लेकिन जो हालात है वहाँ पर, कीचड़ जिस तरीके से हर तरफ देखने को मिल रहा है, उसे साफ करने में वक्त लगेगा। अब मिट्टी गिराने का काम जरूर किया जा रहा है उस दलदल में। तो पूरी गौशाला में सिर्फ और सिर्फ कीचड़ नजर आ रहा है, गंदगी का अंबार बना हुआ है, लेकिन अभी तक हम ये कहें कि सफाई का जो काम तेजी के साथ होना चाहिए था वो हो नहीं रहा था, और अब सियासत जरूर शुरू हो गई है। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर आप भुनाने की कोशिश में है। आशीष हमारे साथ है। आशीष, क्या अपडेट मिल रहा है, गौशाला कितनी साफ हो पाई है, क्योंकि राजनीति तो इस मामले पर खूब गर्मा रही है। देखिए श्वेता, राजनीति तो काफी गर्मा रही है, जिस तरह से कांग्रेस ने आज प्रोटेस्ट किया, पीसीसी से लेकर जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी मंदिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, और रास्ते दिन भर जाम रहा, लेकिन अभी तक गौशाला की जो स्थिति है जब की तक बनी हुई है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि गो रक्षक, 1000 गो रक्षक वहां पर पहुंच चुके हैं, और उसके बाद में जो है मरी हुई गाय और जो जो गाय और भी गाय है उन्हें दलदल से फंसे हुए दलदल से निकाला जा रहा है। फिलहाल जो है जयपुर के आराध्य देव में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, और उसके बाद में मंदिर के अंदर तक यहां तक सियासत पहुंच चुकी है। जिस तरह से मंदिर के अंदर अभी कांग्रेस ने झंडे लहराए हैं, तो साफ तौर पर गो रक्षा को लेकर, गो माता को लेकर जिस तरह से सियासी जंग छड़ी है वो अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि मंदिर तक यहाँ पर सियासत पहुंच चुकी है। सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है यहाँ पर, जो एक कोशिश होनी चाहिए थी वो यहाँ नजर नहीं आ रही है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खबर दिल्ली के विकास नगर से आ रही है। यहाँ पर एक घर में भाभी और देवर का शव मिला है, पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। तो विकास नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक ही घर में 2 शव मिले हैं, भाभी और देवर के ये शव बताए जा रहे हैं। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। अभी जांच की जा रही है कि क्या वजह है, प्रेमा के साथ कुछ लग रहा है कि किसी साइडर का हाथ है। घर में कौन कौन लोग रहते थे यहाँ पे, आपकी बेटी के अलावा कौन कौन बताओ? मेरा बेटा, नीरज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो मामला क्या है ये पूरा? 7:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि रनहोला इलाका और उसके विकास नगर में 2 लोगों की लाश है घर में। उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 2 फ्लोर पर अलग अलग जगहों पर दोनों की लाश थी, जिसमें देवर और भाभी की लाश बताई गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर है, पुलिस ने जो लाश है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। और ये बताया गया है कि जो देवर है उसकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास है, और जो भाभी है उसकी उम्र 42 साल के आसपास है। और ये जानकारी मिली है कि जो भाभी हैं उनके जो पति हैं उनकी मौत हो गई थी, और उसके बाद से ही दोनों साथ में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस का कहना है पूरे मामले की जांच की जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि देवर की जो लाश मिली है वो फर्स्ट फ्लोर पर मिली है, और जो भाभी की, जो उसकी भाभी है उसकी जो लाश मिली है वो मकान की छत पर मिली है। फिलहाल मौके पर जो क्राइम टीम है मौके पर है, और सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। चलिए नीरज, अपडेट आगे लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस इस वक्त मौका वारदात पर मौजूद है, और वहां पर जो भी सबूत है उसको जुटाने की कोशिशें की जा रही है।